The show UK Immigration Law with Tariq. ब्रेक पे जाने से पहले एक किसी ने कॉल किए थे, उन्होंने दो सवाल किए. पहला जो मुझे समझ आया उनके सवाल का कि पाकिस्तान से इधर आए हुए हैं और उनकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं होती, तो वो ये मेरे ख्याल से पूछना चाह रहे थे कि अगर वो अपनी वालदा की दिमागदारी के लिए देखने के लिए इस कंट्री में रह जाएँ. तो इन शॉर्ट जो मुझे समझ आई, मे बी मैं गलत समझ रहा हूँ, डू अपोलोजाइज, कि आप शायद केयरर वीज़ा की बात कर रहे हैं कि अगर कोई इल है, ब्रिटिश सिटीज़न है, तो कोई उनका रिलेटिव उनको या कोई और अडल्ट या उनको देख सके. देखें, जो केयरर वीज़ा है बड़ी स्पेसिफिक उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं. अगर आप होम ऑफिस की पॉलिसी पढ़ें तो उसमें वो कहते हैं कि आपको पहले असेसमेंट करानी पड़ेगी सोशल सर्विसेज से, और सोशल सर्विसेज अगर बोलता है कि कोई भी ऐसा हमारे पास सोल्यूशन नहीं है जो आपकी असिस्टेंस आपको दे सके और आपकी हेल्प कर सके, तो बिल्कुल आप वो हमें कागजात पेश करें, तो देन वील कंसिडर कि किसी केयरर को हम आपके लिए वीज़ा दे दें. तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपकी मदर को जीपी को रेफर करना है, जो आगे रेफर करेगा सोशल सर्विसेज को, और वो आपके घर आएंगे और असेसमेंट करेंगे आपकी मदर की. अगर वो समझते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है केसेस में, कि कोई ऐसी केयर है जो वो नहीं दे सकते, तो फिर वो लिख के देंगे कि जी हम इनकी केयर प्लान या इनकी केयर की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकते. वो फिर आप पेपर के साथ होम ऑफिस में जाके डाल सकते हैं कि इसकी जी मुझे केयरर की एप्लीकेशन दी जाए, बिकॉज़ यहाँ की भी सोशल सर्विस ने जवाब दे दिया है कि वो इनकी केयर एडिक्वेटली नहीं कर सकते. जो सेकंड पार्ट था आपका सवाल का, आपने कहा जी अगर मैं स्पेन जाना चाहता हूँ वीज़ा पे, आई थिंक इन्वेस्टमेंट पे, तो अनफॉर्चुनेटली जो शो है वो यूके इमिग्रेशन का है, तो मुझे इसकी इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं स्पेनिश इमिग्रेशन रूल के बारे में आपसे बात नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दूं. सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. अगले कॉलर की तरफ जाते हैं. हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. हाय, आई हैव बेसिकली अ क्वेश्चन रिगार्डिंग माय हस्बैंड्स नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन. या हिज एप्लीकेशन वाज रिसेंटली रिफ्यूज्ड, द नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन, बिकॉज़ दे हैड गिवन द रीजन दैट यू वर मिसलीडिंग the State Department in 2007, where as a student you were working full-time in summers, and he was stopped at the airport for questioning and stuff. Although he did challenge this in AIT court and his appeal was accepted, but the appeal was accepted on different grounds by the judge. Now my question is that was it the right thing to do by the Home Office, and what's next? Like, shall he apply for a review or shall he wait for another year? Where they've already written that he is eligible in 2017, just to clarify, because the ban is normally 10 years. Hello. All right. I said they have they written that he'll be eligible to make nationalization application in 2017? Yes, they have said that, but they have also mentioned that we cannot guarantee anything. Oh, yeah, fair enough. I'll give you the answer over the on the TV. If you just hang up and then listen to my answer on the TV screen, it'll be better for you. Okay, first thing, just explain to you that a few years back, quite recently, the rules for naturalization changed. And one of the requirements for good character was they're going to look back 10 years in your immigration history. So whenever you make an application, they look back 10 years. And in those 10 years, if you've breached any of the immigration rules, they will not allow you to apply for naturalization. So in your husband's case, when he made the application, they looked back 10 years. And in 2007, they found that he breached his visa conditions. So as far as the Home Office is concerned, they add 10 more years from that breach. So say, for example, the breach was in July 2007. 10 more years is July 2017. So August 2017, he would be eligible to make the application, because when they go back 10 years, there would be no record of him breaching his immigration, any of his immigration conditions. Now, why they said it'll be subject to, because maybe, God forbid, during this 1 year period, God forbid he has a criminal charge on him, then the 10 year ban will restart. They find any other thing wrong with their husband, the 10 year ban will restart. So this is the reason they said that when you make the application in whenever next year, they'll reassess the situation.
Now, coming back to whether you should review, it all depends, because it's only good to review if you think you can prove that he did not breach the immigration rule. If you cannot prove that in 2007 he did not breach the immigration condition on his visa and he did not work more than the 20 hours allowed, then it's no use doing the review. You wait one more year and then you make the application when he is able to. But if you believe they are circumstances, there are evidences you can provide with your review that prove that he was not in breach of his visa condition back in 2007, then by all means submit the review with those evidences and challenge the Home Office. I wish you the best of luck. Thank you so much for your call. Agle caller ki taraf jaate hain. Hello. Assalamualaikum. Ji, waalaikum assalam. Mera naam Noshin hai. Main Leicester se baat kar rahi hu. Ji. एक्चुअली मैंने मेरे हस्बैंड के वीजा स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई किया था मार्च में. उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया था इमिग्रेशन वालों ने, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. सिर्फ एक ईमेल आई थी 2.5 महीने के बाद के आपको जो है थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे उनसे पूछना चाहिए, कॉल करनी चाहिए या? ऑलराइट, और आप मुझे बता दें लीव टू रिमेन एप्लीकेशन थी या एंट्री क्लियरेंस थी? Entry clearance. All right. Thank you so much, ma'am. देखें, जो बेस्ट चीज़ आप कर सकती हैं कि अगर आप होम ऑफिस की वेबसाइट पर जाएं, डिपेंडिंग ऑन कि वो लाहौर में अप्लाई हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, न्यू दिल्ली हुआ या पंजाब में किसी जगह हुआ, उनके FCO की आप ईमेल निकालें और जो आपके पास रेफरेंस नंबर है उसके तहत उनको ईमेल करें कि जी जल्दी से डिसीजन दें, इट्स बिन पेंडिंग फॉर सो लॉन्ग. एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका है कि आप अपने लोकल MP के पास जा सकती हैं, उनको बोलने और वो खत लिखेंगे होम ऑफिस को, जिसकी वजह से शायद केस का कोई डिसीजन जल्दी मिल जाए. ये दो चीज़ें आप कर सकते हैं एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो, सलाम अलैकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम अली है जी, और मैं लंदन से बात कर रहा हूँ. जी अली. मैंने 2015 में जी FLR FP डाली थी, प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ. मेरे दो बच्चे हैं, तो अभी तक अगर उनका कोई जवाब नहीं आया. उन्होंने मुझे इंटरव्यू कॉल किया था दिस मई 2016 में, शेफील्ड में हम लोग गए थे मैं फैमिली के साथ. तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था. उन्होंने कहा था वी हैव नो डाउट ऑन योर फैमिली लाइफ, बट टॉयक के बारे में पूछा था उन्होंने कि आपने टॉयक किया है या नहीं. और मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया जी बिल्कुल मैंने किया है, और उसका क्राइटेरिया भी बता दिया था कहाँ से किया है कैसे किया है. लेकिन उसके बाद आज पूरा मेरे ख्याल 13 महीने गुजर चुके हैं जी, कोई उनका जवाब नहीं आया. मेरा सोलिसिटर भी उन्हें लेटर्स लिख चुका है, इवन मेरा MP भी लिख चुका है, लेकिन दे आर नॉट बॉदरिंग टू आंसर. सो कुड यू प्लीज हेल्प मी, व्हाट्स द नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर मी? ऑलराइट, थैंक यू सो मच अली. पहली बात, आई विश यू द बेस्ट. देखें, जहाँ तक बात ऑप्शन की, एक ऑप्शन आपके पास है बिल्कुल, लेकिन उसको एक्सरसाइज ना करें, महंगा बहुत है. वो ये है कि आप उनको धमकी दें कि अगर मेरा आप डिसीजन ही देते, मैं जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन डाल दूंगा. और फिर जेन्युइनली जाके जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन डाल दें और जज मोस्ट लाइकली यही ऑर्डर देगा कि जी इसका डिसीजन दो जल्दी से जल्दी. बट आप वो ऑलमोस्ट, मैं एग्जैक्ट कोट तो नहीं कर सकता प्राइस, बट रफली 1500-2000 आप स्पेंड करें जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि वो डिसीजन दें. ये भी नहीं कि आपके फेवर में दें, डिसीजन दें. तो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल. जो आप कह रहे हैं कि बार बार MP के थ्रू प्रेशर डलवाएं, खत लिखें डायरेक्ट, दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन. लेकिन बिल्कुल सोल्यूशन है आपके पास, GR की एप्लीकेशन डालें. लेकिन मैं इसलिए लोगों को कहता हूँ कि फजूल में इतना पैसा खर्च करें जस्ट टू गेट अ डिसीजन, उससे बेहतर है MP के थ्रू प्रेशर डालते रहें एंड होपफुली समथिंग विल गिव. लेकिन एक बात मैं हर एक को बोलता हूँ कि होम ऑफिस के साथ इट्स अबाउट पेशेंस, सब्र से काम लें, क्योंकि होम ऑफिस बड़ा ओवरवर्कड है. कभी आपकी किस्मत अच्छी हो तो जल्दी डिसीजन दे देते हैं, वरना ऑन एवरेज हर केस में टाइम लग रहा है. तो वो थोड़ा आपको पेशेंस शो करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच. अगले कॉलर की तरफ जाते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी मैं कैबा बात कर रहा हूँ. मैं यूरोप में नेशनल हूँ, तो मैंने अपनी बीवी को बुलाया था यहाँ पे. 5 साल को उनको स्पाउस वीजा मिला था. उसके बाद हमने अभी उनके ILR की एप्लीकेशन डाली 5 साल मुकम्मल होने के बाद, लेकिन एप्लीकेशन इनवैलिड होके वापस आ गई, क्योंकि उसमें बैंक डिटेल जो कार्ड डिटेल थी वो गलत थी. तो अब क्वेश्चन ये है कि अब उसकी तो वीज़ा भी एक्सपायर हो गया है, तो अब मतलब कितना टाइम है हमारे पास फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, और कब से स्टार्ट होगा? आइदर के लेटर जो उसके ऊपर
डेट मेंशन लेटर के ऊपर वहां से स्टार्ट हो गया या जहां से हमें रिसीव हुआ है और हमारे पास कितने दिन है एप्लीकेशन फाइल करने के लिए? थैंक यू वेरी मच. थैंक यू भाई. देखें, पहली बात है कि जो 28 दिन का पीरियड होता है वो इमिग्रेशन रूल के अंदर होता है, यूरोपियन कानून में नहीं होता. तो क्योंकि आपकी वाइफ को फैमिली परमिट एज ए फैमिली मेम्बर ऑफ ई ए नेशनल पड़ा है तो उन पर कोई टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होती. यानी कि अगर वो यहाँ वीज़े के बगैर भी लें, जो कि बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, ना इन्फॉर्मेशन उस टाइप की कोई आपको दी जा रही है, तो फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन ऑफकोर्स आगे जाके क्योंकि लोगों ने काम करना है, स्टेटस अपना सही रखना है, दे ऑल वॉन्ट के हमारा टाइमली मैनर पर सब कुछ हो जाए. तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उनकी सेटलमेंट की एप्लीकेशन दोबारा डाल दें. और 28 दिन का पीरियड इसलिए भी थोड़ा रेलिवेंट रखें कि जब वो नेशनलाइजेशन अप्लाई करेंगे उस वक्त इमिग्रेशन रूल के तहत करेंगे, तो दे माइट देन से कि जी उस ज़माने में आपने इतना किया ओवरस्टे, फिर आपके किसी लॉयर को लिखना पड़ेगा कि जी यूरोपियन लॉ में ओवरस्टे मैटर नहीं करता बिकॉज ब्रीच नहीं थी उनकी किसी भी कंडीशन की. सो कहने का मतलब मैं टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना चाहता, सिंपल दो बातों का ख्याल रखें कि यूरोपियन लॉ के तहत ओवरस्टे मैटर नहीं करता, 28 दिन का आपके पास टाइम लिमिट नहीं है. लेकिन बेहतर है कि उसको दिमाग में रखते हुए जितना जल्दी हो सकता है आप दोबारा अप्लाई कर दें. ऑफ कोर्स जो पीरियड काउंट होता है वो जब आपको उन्होंने बताया है नोटिफिकेशन से उधर से काउंट होता है, लेकिन अगेन आप पे पीरियड लागू नहीं होता बिकॉज आपकी वाइफ की एप्लीकेशन यूरोपियन रेगुलेशन के तहत डिसाइड होगी. थैंक यू सो मच. अगले कॉलर की तरफ जाते हैं. हेलो, वालेकुम तारिक भाई. वालेकुम अस्सलाम भाई जी. मैंने एक सुरेंद्र सिंह के रूट के अंदर अप्लाई किया था ई रेजिडेंस परमिट के लिए. रिसेंटली अभी रिफ्यूज हुआ है. तो जो उन्होंने रिफ्यूज किया वो सेंटर ऑफ लाइफ नॉट बीन ट्रांसफर. हाँ, वो आजकल उस पर बहुत रिफ्यूज़ करे बिकॉज वो समझते हैं कि आपने सिर्फ वीजे के लिए उधर जाके एक्टिविटी की है, स्पॉन्सर ने जेन्युइनली मूव नहीं हुआ. जी, लेकिन 9 मंथ का स्टे किया था, इसीलिए मैं ये पूछना चाह रहा था क्योंकि उन्होंने फुल राइट ऑफ अपील दिया है इसको. तो अगर इसको अपील करते हैं, कोई केस ला है ऐसा जो इसको फेवर करता है? क्योंकि सेंटर ऑफ लाइफ जो है ये ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है ना, क्योंकि कोई और कंट्री अप्लाई नहीं करता ये टेस्ट ना. तो अगर ये जज के सामने जाएगा तो ये अपील ला होने के चांसेस हैं. ऑलराइट, थैंक यू भाई, मैं बता देता हूँ आपको. देखिए, पहली बात है कि कोई भी केस पड़े बगैर तो नहीं बता सकता कि अपील अलाउ होगी या नहीं. लेकिन जो सेंटर ऑफ लाइफ का जो केस लॉ तो नहीं, बड़ा फैक्ट सेंसिटिव होता है केस, कि होम ऑफिस से अपनी असर्शन करते हैं, उनको रीजनिंग देनी होती है कि किन रीज़न की वजह से वो कह रहे हैं कि आपने अपना सेंटर ऑफ लाइफ मूव नहीं किया. आपको उनका जवाब देना होता है. फिर एक जज, इंडिपेंडेंट जज के ऊपर है कि आया आपका जवाब हावी पड़ जाता है होम ऑफिस की असर्शन से. सो कहने का मतलब कि स्पेसिफिक केस को पढ़े बगैर, स्पेसिफिक रीजंस को पढ़े बगैर कोई भी नहीं कह सकता कि आप जीतेंगे या हारेंगे. और पता नहीं क्यों लोग इतना ओवर स्ट्रेच करते हैं केस लॉ के ऊपर. बिल्कुल केस लॉ इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी आपको ये प्रूव करना है कि आप उस केस पे बैठते भी हैं, तब भी केस लॉ आपकी हेल्प करता है. अगर यही सजेशन है कि आप डिफाइन कर, आप बैठते नहीं हैं इस रेगुलेशन के ऊपर, तो केस लॉ भी आपकी हेल्प नहीं करेगा. सो पहले आपने अपने आप को उस रेगुलेशन पे बिठाना है एंड देन केस लॉ आपकी हेल्प करता है. बट क्योंकि आपका इशू बड़ा नैरो है, जिस तरह आपने बोला, क्या पता किसी और बात पे भी रिफ्यूज़ किया, लेकिन मैं सिर्फ उस बात पे जा रहा हूँ जो आपने मुझे बोली है. तो इशू बड़ा नैरो है कि वो समझते हैं कि आपने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी उठा के और अपनी लाइफ एक्टिविटी उठा के जेन्युइनली फॉरेन कंट्री में लेके नहीं गए, सुरेंद्र केस सिंह के केस के रेफरेंस से. तो वो जब तक उनके रीजंस ना पड़े जाएं आप नहीं बता सकते कि आपके केस में कितना मेरिट है. थैंक यू सो मच. अगले कॉलर की तरफ जाते हैं. हेलो, हेलो, अगर आप टीवी पे आवाज़ सुन रहे हैं तो बेहतर है अगर आप फोन पे मुझसे सवाल पूछ लें और फिर टीवी पे मेरा जवाब सुन लें. हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम. सर, मेरा आपसे एक सवाल है. मैं इधर इंग्लैंड में ब्रिटिश सिटीजन हूँ, तो मैंने अपनी अम्मी को पाकिस्तान से इंग्लैंड बुलाना चाहा था. अम्मी को आपने बोला? तो इधर सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने जार किए थे, और उधर से एक मेरा भाई है, वो उसने वो गवर्नमेंट जॉब करता है हॉस्पिटल में, तो उधर से उसने सब कुछ किया था. हम सब बहस है, सब बहन भाई इधर ही, अब मेरे बहुत हो गए, तो उन्होंने अम्मी का वीजा रिफ्यूज किया है. इतने कम टाइम में पूरा केस तो डिस्कस नहीं कर सकता, उसके लिए आपको
آنا مطلب یو نو کسی سے رابطہ کرنا پڑے گا, لیکن اگر آپ مجھ سے اپنا سوال پوچھ لیں تو میں پوری کوشش کرتا ہوں میں آپ کو کوئی انفارمیشن دے دوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو. سوال آپ کا ہے کوئی؟ سر یہ ہے کہ انہوں نے ویزا ریفیوز کیا ہے تو آگے ابھی کیا کر سکوں گا اس کمرے میں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بڑی مہربانی آپ کی, تھینک یو سو مچ. جو آپ نے بات بولی ہے لگتا ہے کہ وزٹ ویزا آپ کی مدر نے ریفیوز کیا ہوگا اور انہوں نے یہ الزام لگایا ہے, چون دو زیادہ تر وزٹ ویزے پہ لگاتے ہیں, کہ اسپانسر سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. آیا آپ کی انٹینشنز نہیں ہیں وزٹ کی؟ اور کیونکہ آپ نے اپنے فائنینشیل اور پرائیویٹ سرکمسٹانسز ہمیں اچھی طرح سے نہیں بتایا, ہمیں نہیں لگتا آپ واپس آئیں گے. دیر از نو ریزن فار یو ٹو کم بیک. آپ کے پاس دو آپشن ہیں, یا تو جوڈیشل ریویو ڈال لیں, اگر انہوں نے رائٹ آف اپیل دی ہے تو وہ کریں, لیکن نارمل وزٹ ویزے پہ رائٹ آف اپیل نہیں دیتے انلیس آپ اسپیسیفکلی ہیومن رائٹ کا ریز کریں ایشو نئی اپلیکیشن میں. تو یا تو آپ جی آر کریں یا آپ نئی اپلیکیشن ڈالیں. یا جی آر کریں یا نئی اپلیکیشن ڈالیں, بڑا میٹر کرتا ہے کہ پہلے اپلیکیشن کا ریفیوزل پڑھ کے بندہ دیکھ لے اور آپ نے جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس لگائے ہیں وہ سارے پڑھ لیں. بکاز کبھی کبھی اتنے زیادہ سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے جی اس سے زیادہ تو میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں, تو اگر میں نئی اپلیکیشن ڈالوں گا بھی تو یہی سارے ڈاکومنٹ ہوں گے, میں کوئی نئی چیز بیچ میں ایڈ کر کے دے ہی نہیں سکتا, تو پھر بھی انہوں نے ریفیوز کرنا ہے. تو پھر اس صورت میں جہاں آپ نے پیسہ اتنا لگانا ہے نئی اپلیکیشن میں, اتنا تو نہیں بیکاز وزٹ ویزے کی اتنی فی نہیں ہے, تھوڑا سا پیسہ لگا کے آپ جی آر کر لیں. بٹ آئیدر دونوں میں سے آپ کیا کریں ڈپینڈ کرتا ہے کاغذات پڑھنے کے بعد. تو یہ آپ کے لیے انفارمیشن ہے. مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا گھنٹہ بھی پورا ہو گیا ہے, کانٹیکٹ ڈیٹیلز یا ای میل کی صورت میں آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں گی. اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں پلیز اپنا نام اینڈ ٹیلی فون نمبر اس ای میل پہ بھیج دیجیے, اینڈ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں آپ کو کانٹیکٹ کر سکوں ایز سون ایز پاسبل. اب آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. اللہ حافظ.